नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि कल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2021 और 22 की घोषणा की है। इस बजट के अंदर आम जनता कई आस लगाए बैठी हुई थी कि उनको राहत जरूर मिलेगी, लेकिन आप सभी को बता दूं कि इसमें आम जनता को ज़्यादा राहत नहीं पहुंची है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बहुत हद तक आम जनता को राहत भी प्रदान करी है। मैं आप सभी को बता दूं कि इस बजट के अंदर स्कूलों के लिए एक तोहफा दिया गया है, तो साथ ही साथ जो परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थी एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे उन सभी के लिए बसों का किराया भी मुफ्त किया गया है, और साथ ही साथ स्कूल के बच्चों को ड्रेस और साथ ही साथ भोजन के अन्य कई सुविधाएं भी दी गई हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर तंज भी कसा है। उन्होंने कहा कि हमारा सीना 56 इंच का नहीं है, हमारा सीना 60 इंच का है, और इसी को लेकर के हमने अपना यह बजट भी घोषित किया है। साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बता दूं कि देश में टीकाकरण कोरोना का दूसरा चरण 1 मार्च से शुरू होगा। इसके अंतर्गत जो अब एजेड आदमी हैं उन सभी का टीकाकरण किया जाएगा। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि इस टीकाकरण अभियान के दौरान 60 साल से अधिक और 45 साल से ऊपर की आयु वाले व्यक्तियों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है, और इसमें आम जनता को राहत भी मिलती नजर आएगी। और आप सभी को बता दूं कि इसके अंतर्गत 60 साल से अधिक की उम्र और 45 साल से ऊपर के जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी को बीमारी के आधार पर टीका लगाया जाएगा, जिसमें जिसको ज़्यादा अधिक बीमारी होगी उसी के आधार पर उसको पहले टीका लगाया जाएगा और उसके बाद में बाकी जनता को टीकाकरण किया जाएगा। साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बता देता हूँ कि गुजरात के अहमदाबाद के अंदर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोटेरा स्टेडियम जो था उसका अब नामकरण चेंज किया जाएगा और उसको अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से रखा जाएगा। ये बहुत ही बड़ी खबर हम आप सभी को बता रहे हैं, क्योंकि गुजरात का जो मोटेरा स्टेडियम है वह बहुत बड़ा स्टेडियम है और अब उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम दिया जाएगा, और इसी के साथ में उन्होंने यह घोषणा भी की है। साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बताता हूँ कि अब लगातार देश के अंदर कोरोना वायरस बढ़ता हुआ ही जा रहा है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में दिन प्रतिदिन केस बढ़ रहे हैं और महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है, धारा 144 भी लागू है, और साथ ही साथ शादी ब्याह और समाज पार्टी या रैली के अंदर 50 लोगों से ज़्यादा की छूट भी नहीं दे रखी है। लेकिन वहीं अगर हम दूसरी ओर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की राजधानी जयपुर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोरोना के केस पाए जा रहे थे, अगर हम उसकी बात करें तो राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर पिछले काफ़ी समय से कोरोना के केसों में कमी देखने को मिल रही थी, लेकिन कल एक बार फिर से इन केसों के अंदर इजाफा हुआ है और यह केस बढ़ करके अब 30 तक पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ राजधानी जयपुर के अंदर जो मानसरोवर इलाका है उसमें अभी तक केसों की संख्या इतनी नहीं आ रही थी, लेकिन कल राजधानी जयपुर के मानसरोवर इलाके में सबसे ज़्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं। और इन केसों की बात करें तो राजधानी जयपुर के मानसरोवर इलाके में कल 5 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बता दूं कि तीसरे टेस्ट मैच में, जो डे नाइट टेस्ट मैच इंग्लैंड और भारत के खिलाफ में खेला जा रहा है, उस टेस्ट मैच में भारत ने पहले दिन अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। यह नाइट टेस्ट मैच खेला जा रहा है और इसमें पिंक बॉल का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, लेकिन इसमें पहले दिन भारत ने अच्छी पकड़ बनाई है और इंग्लैंड को मात्र 112 रनों पर ऑल आउट भी कर दिया। साथ ही साथ भारत ने तीसरे टेस्ट के पहले दिन मैच के खत्म होने तक 99 रन तक बना लिए थे 3 विकेट के नुकसान पर। यानी इस मैच के अंदर भारत ने अपनी पकड़ मजबूत बना ली है और साथ ही साथ इस मैच को जीतने की ओर आगे बढ़ रहा है। तो अखबार की खास सुर्खियों के अंदर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।